सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बच्चा पार्टी। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लाइक अनलाइक, टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स ही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चा पार्टी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस टर्म में दिया हुआ है, हमें उसी के अकॉर्डिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे यहाँ पर ये टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है और जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें कोई भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। ये वाला 4x है, ये वाला 9x है, इसलिए हमने उसको इसके नीचे रखा। ये सिंगल डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट को अकेले रखा। मतलब ये कि जो टर्म लाइक है, लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, उनको ही आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करोगे, अदरवाइज आप उनका इस्तेमाल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे लाइक टर्म की बात करो तो आपके पास देखो यहाँ पे 7x² - 4x + 5 है, और अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो 9x, तो 9x इस 4x से ऐड होगा, ना कि 5 से, ना कि 7x² से। और जो -10 आप कर रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट होगा इस 5 से, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट चक्कर क्या होता है कि कई बार हम लोग जल्दबाजी में, खासकर जब हम बच्चे हैं तो हम जल्दबाजी में गड़बड़ियां कर जाते हैं। ठीक है, क्लास 7th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सिंपल इक्वेशन, और सिंपल इक्वेशन में भी आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो आपने यही किया था कि अगर कोई साइन प्लस है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाता था, अगर माइनस है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस हो जाता था, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो जाता था, डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाता था। वही चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, मतलब साइन वैसे जो हमने वहां यूज किए थे वही साइन अब यहाँ यूज हो गए। चलिए चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। गाइस जस्ट चेक दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7xy, 5yz, 3zx, अब ये तीन वैल्यू हो गई है ना। ठीक है, ये तीन टर्म है। अब ये देखो इसको ऐड करना है किससे, 4yz, तो yz वाला इस yz से जुड़ेगा, बाकी इसी से मतलब नहीं। 4yz, 9zx मतलब जेड एक्स वाला इससे जुड़ेगा, और 4y मतलब ये वाला इससे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा तीसरा देखो 3xz, xz कौन सा भाई साहब, ये xz और जेड एक्स एक ही बात है ना, तो ये इससे जुड़ जाएगा इस वाले से। ठीक है, 5x कहीं नहीं है, और 2xy ये जाके इससे जुड़ जाएगा। तो कौन कहीं नहीं जुड़ रहा है, 4y कहीं नहीं जुड़ रहा है और 5x कहीं नहीं जुड़ रहा है, तो ये एज इट इज आएंगे। तो देखो हमने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया, देखो 7xy, इसके नीचे कोई नहीं था, ये 2xy आया, 5, ये तीनों इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। आप ध्यान से देखो हमने सबको उसके नीचे रखा है। 7xy पहली इक्वेशन को एज इट इज रख दो, ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो आई है उसमें yz की इक्वेशन को yz के सामने, xz की इक्वेशन xz के सामने, और ये जो बच गया ये किसी के सामने नहीं है। ठीक है, तो देखो तीसरी इक्वेशन में तो 5x और 4y कहीं से भी कहीं तक कुछ नहीं हुआ था, ये एज इट इज आ गया। बाकी को देखो 7xy माइनस, तो क्या हो गया, 7xy - 2xy, तो अगर मैं इसमें से xy कॉमन ले लूं तो बचेगा 7 - 2, तो हो गया 5, तो आ गया आंसर 5xy, तो इसलिए 5xy। ठीक है, तो 5xy, और ये 9 कैसे आया, 5 + 4, 5 + 4 = 9, और 3 देखो ये -3 है, ये +9 है, तो -3 + 9 कितना होगा, वेरी गुड, +6, +6 और -3, +6 - 3 विल बी +3, तो देखो ये +3 ये आ गया। सो दिस इज हाउ वी यूज टू परफॉर्म सच इक्वेशंस। अब देखो ये दोनों है, अब इन दोनों को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को आप मत देखना, इस डू नॉट लुक एट दिस, इस पे मत देखना, मैं खुद आपके सामने लिख रहा हूँ। 5x² + 4x² + 6y - 3, पहली इक्वेशन को तो आपको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, कोई पंगे ही नहीं। अब देखो ये क्या है, 7x², तो 7x² को एकदम नीचे लिख दो, फिर -4xy,
तो माइनस फोर वाला कोई नहीं है, तो मैंने माइनस फोर एक्स वाई को बाहर रख दिया सीधे, ठीक है। फिर क्या है, प्लस एट वाई स्क्वायर, ये भी कोई नहीं है तो इसको भी बाहर रख दिया, एट वाई स्क्वायर ये भी बाहर चला गया, ठीक है। और फाइव एक्स, फाइव एक्स वाला भी कोई नहीं है तो चलो यहाँ पे और जगह बना के रख दो, प्लस फाइव एक्स और माइनस थ्री वाई, तो माइनस थ्री वाई इधर रख दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना है, माइनस करोगे तो क्या है, सबके साइन बदल जाएंगे, सबके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला था ये माइनस हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ सब्ट्रैक्ट का मतलब। सब अच्छा गाइस, अपन ने उल्टा कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो अपन ने उल्टी इक्वेशन लिख दिया, कोई बात नहीं, अच्छा वो पढ़ लिया अपन ने, तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा वो अपन ने देख लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तो हमको क्या करना है, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे। तो फाइव एक्स स्क्वायर एज इट इज कर दो, माइनस फोर वाई, तो माइनस फोर वाई स्क्वायर, फिर सिक्स वाई, तो प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री, ये बाहर। अच्छा मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे देखो आपको क्या इक्वेशन मिली है, आपको मिली है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री, तो आई इसमें पूरे में इनटू माइनस हो जाता है। अब अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, तो फोर वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सिक्स वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थ्री। तो ये पूरा जब आप साइन चेंज करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जोड़ दो इनको, लेट्स ऐड देम, तो सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर विल बी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये फोर एक्स को कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो फोर एक्स को एज इट इज रख दो, फोर एक्स वाई एज इट इज। अच्छा ये एट है और ये माइनस था पहले, लेकिन अब प्लस हो चुका है, तो एट प्लस फोर विल बी ट्वेल्व, तो प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर से फाइव एक्स को कोई छेड़छाड़ नहीं, तो फाइव एक्स को एज इट इज रखो, कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर अब देखो ये माइनस थ्री है और ये पहले प्लस सिक्स था, लेकिन अब माइनस हो गया, तो माइनस थ्री माइनस सिक्स विल बी माइनस नाइन, माइनस, अच्छा ये माइनस था अब प्लस हो गया, तो प्लस थ्री। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन, आप चाहो तो इधर देख के कंफर्म कर सकते हो। याद रखना साइन आपको बदलने पड़ेंगे, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, ठीक है। आपने साइन चेंज करोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो बच्चा पार्टी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 9.1, हम एक्सरसाइज 9.1 की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, सब लोग ध्यान से देखो, किसी को दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। सो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एक्सरसाइज 9.1। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब नहीं दो बताऊंगा, चलो एक ये बताता हूँ आपको और एक ये बताता हूँ, बाकी सब आप कर लेना, ठीक है। इसमें क्या कितनी टर्म है, दिस इज टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, सो देर आर थ्री टर्म्स, आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो पहली टर्म क्या है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी क्या है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरे है जेड स्क्वायर। अच्छा ये हो गया, अब कोएफिशिएंट्स बनाएं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट वो होते हैं जो सबसे आगे लगती है डिजिट, तो इसमें सबसे आगे डिजिट क्या लगी है, फोर, तो इस टर्म की कोएफिशिएंट क्या है, फोर, इस टर्म का कोएफिशिएंट है माइनस फोर, और इस टर्म का कोएफिशिएंट है वन, ठीक है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको देखो इसमें एक्स बाय टू एक टर्म होगी, वाई बाय टू दूसरी टर्म होगी,
एन माइनस एक्स वाई, ये हो गए तीसरी टर्म। अगर मैं इसका कोएफिशिएंट निकालूं तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 1 बाई टू, क्योंकि वेरिएबल x है, x इंटू 1 बाई टू विल बी एक्स बाई टू, है ना। बच्चा पार्टी याद रखना, कोएफिशिएंट हमेशा डिजिट होती है, डिजिट समझ में आए, जो भी डिजिट वेरिएबल के साथ पहले लिखी होती है वही कोएफिशिएंट होता है। तो इसमें 1 बाई टू, इसमें भी 1 बाई टू, और तीसरे वाले में माइनस वन, तीसरे वाले के लिए माइनस वन, समझ में, माइनस वन विल बी द कोएफिशिएंट। अब जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, 0.3 विल बी कोएफिशिएंट, 0.6 विल बी कोएफिशिएंट, 0.5 विल बी कोएफिशिएंट। तो 0.3 को आप 3/10 भी लिख सकते हो। तो अगर किसी ने 0.3 लिखा तो वेल एंड गुड, किसी ने 3/10 लिखा तो अगेन वेल एंड गुड, कोई पंगा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। टर्म काउंट कर लो, बायनोमियल, यस, टर्म, कितनी टर्म है, डन, इसमें कितनी टर्म है। आप लोगों को भूल गया हो तो मैं एक बार थोड़ा सा याद दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले लेक्चर पढ़ा था। ये देखो, मैंने आपको बताया था मोनोमियल, बायोमियल, पॉलिनोमियल फाइंड करने का, हमने एग्जाम्पल भी देखा था। ये देखो, जहां से देखो, एक टर्म, यहां जब एक टर्म रहेगी तो मोनोमियल, जब दो टर्म रहेगी तो बायोमियल, तीन रहेगी तो ट्रायोमियल, और टर्म मतलब साइन के साथ। देखो इसमें एक ही है, इसमें एक और दो है, इसमें एक दो तीन है, समझ में, ऐसे। तो आपको ऐसे टर्म काउंट करनी है। तो देखो इस वाले इक्वेशन में यहां पे दो टर्म है, एक्स एंड वाई, तो इसलिए ये बाइनोमियल है, दिस वन इज बाई, ये सिंगल टर्म है तो इसलिए ये मोनोमियल है। ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अच्छा इसमें कितना है, एक दो तीन चार, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, है ना। फिर इसमें एक दो तीन, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, इसमें एक दो, ये बाइनोमियल हो गया, इसमें एक दो तीन, ट्राइनोमियल, एक दो तीन, ट्राइनोमियल, एक दो, बाइनोमियल, एक दो तीन चार, पॉलिनोमियल, एक मोनोमियल, एक दो बाइनोमियल, एक दो बाइनोमियल, समझ में आई बात। भूलना मत, आप टर्म चेक करना, समझ में, कॉमा के पहले, जैसे इसमें देखो ये कॉमा यहां लगा है और ये कॉमा यहां लगा है, तो इन दो कॉमा के बीच में एक दो तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इसीलिए ये एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट द फॉलोइंग, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, एंड सी ए माइनस ए बी, एकदम चिंदी है, ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं ए बी माइनस बी सी, अब बी सी माइनस सी ए, तो मैंने क्या लिखा, बी सी माइनस सी ए, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सी ए माइनस ए बी, तो सी ए माइनस ए बी, समझ में। अब इसको ऐड करना है, उसे बोला ना ऐड करो, तो देखो ये ऐड इससे करो, आया ना, ये इससे ऐड, तो देखो प्लस सी ए माइनस सी ए, प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस ए बी माइनस ए बी, आंसर इज जीरो, तो इसका आंसर जीरो आएगा ऐड करने पर, यू विल गेट अ जीरो आफ्टर गेटिंग दिस। मैंने यहां सॉल्व किया, देख लेना, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही वाला देखो, फोर वाला, ठीक है, एल स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर लिख लेना, एम स्क्वायर के सामने एम स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो पहला वाला कैसे लिखोगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दूसरा वाला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीसरा वाला एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये नहीं कि अब आगे बढ़े जा रहे हो, आगे कदम बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में। फिर उसके बाद 2LM, ये इनमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस एज इट इज रहेंगे, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है। तो क्या, ये क्या हो गया, LM और LM, तो 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, तो सबसे 2 बार ले लो, सबसे 2 बार,
तो टू अगर बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। लो ये हो गया आंसर, क्योंकि सब में टू था इसलिए हमने टू कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। नाउ एक सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो जस्ट चेक अ क्वेश्चन फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। सो सब्ट्रैक्शन के लिए लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। अब यहाँ जगह ऐसी हो गई है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो बैक जाके पॉज करके देख के लिख लेना, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, देवियों और सज्जनों। चलो 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 चलो, देखो एक्चुअली है बहुत इजी, लेकिन चक्कर क्या होता ना कि आप लोग अगर ये देख के डर जाओगे कितने टर्म्स की इक्वेशन है या कितने बड़ा इक्वेशन बना जा रहा है, तब शायद गड़बड़ हो जाए। अदरवाइज इन क्वेश्चन में गलत होने का चांस एकदम ही नहीं है, देर आर नो चांसेस दैट यू गेट अ रॉन्ग आंसर। समझ में? चलो चलो चलो, एक मिनट इसको पूरा मिटा दे, साफ सफाई का ध्यान रखे भाई। अब देखो पहली इक्वेशन है 4p³ - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10। अच्छा फिर मैंने उल्टा कर दिया, देखो मैं हमेशा यही गलती कर रहा हूँ, आप लोग मत करना है भैया ये गलती। हमें सब्ट्रैक्ट जिसको करना है जिससे करना है, हम दोनों ऊपर नीचे कर दे गड़बड़ कर रहे हैं, तो इससे करना है ना। तो पहले इसको लिखो, तो लिखो 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना ही है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं साइन चेंज करके कर रहा हूँ। आप इस इक्वेशन को देखो, सही बच्चे, मैं साइन के साथ लिख रहा हूँ, तो ये ये प्लस 4pq है ना, तो इसको -4pq, तो -4p²q। अच्छा अब ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3pq लिखूंगा, तो प्लस 3pq, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5pq², तो -5pq², ठीक है। फिर -8p, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब +8p। 7q, तो प्लस, तो प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, तो -7q, तो -7q। बस तो 18 को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, तो 18 एज इट इज रख दो, 18 तो एज इट इज है, 18 को कोई नहीं किया कुछ। अब ये प्लस 8p और ये -3p, तो प्लस 8 - 3 विल बी +5p। फिर -7 और -11, तो -7 और -11 बोलते -18q। फिर +5 + 3, तो दैट इज 8pq। -5 - 2 दैट इज -7, तो -7pq² और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस विल बी +5pq², सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, ये मैंने आप लोगों के लिए आपके साथ ही लाइव सॉल्व किया, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझसे बिंदास पूछिए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक समझ में आया हो, एक्सरसाइज समझ में आया हो। सब लोगों को इस चैप्टर और एक्सरसाइज को पूरा लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। जो बच्चे इसे लाइव देखेंगे ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में जाके इसे कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, बच्चा पार्टी, अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।